अस्सलामुअलैकुम व्यूअर्स, मैं हूं ज़क्का रहमान और आप देख रहे हैं एफपी इलेक्ट्रॉनिक्स। तो दोस्तों, आज आप लोगों के लिए जो मैं वीडियो लेके आया हूं वो सोलर इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में लेके आया हूं। 2020 में और 2022 के अंदर जो लेटेस्ट इन्वर्टर आ रहे हैं, इन सब के अंदर एक डिस्प्ले चेंज किया गया है जो कि सोलर मैक्स और इसके अलावा इनवरेक्स ने जो गोल टच बटन वाला एक डिस्प्ले इंट्रोड्यूस करवाया है, इस वक्त आप स्क्रीन के ऊपर देख भी सकते हैं। ये इस डिस्प्ले के अंदर एक्चुअली सेटिंग का थोड़ा सा डिफरेंस है जो कि लोगों को समझने में थोड़ी सी मुश्किल है। अदरवाइज़ ऑलमोस्ट सेटिंग का तरीकाकार और सेटिंग उसी तरह है जिस तरह पहले थी, बट थोड़ा सा डिस्प्ले के अंदर डिफरेंस आया है, इस वजह से लोगों का इसको थोड़ा समझना मुश्किल है। तो आज इस वीडियो के अंदर इस इन्वर्टर की सेटिंग के बारे में बताऊंगा जो कि आगे ऑलमोस्ट आपको तमाम इन्वर्टर्स में यही डिस्प्ले देखने को मिलेगा, और इस डिस्प्ले के अंदर जो सेटिंग्स हैं वो किस तरह आपने करनी है और किन किन पैरामीटर्स का क्या क्या मकसद है, क्या मतलब है और उनको किस तरह सेट किया जाए, इसके बारे में आज आपको थोड़ी डिटेल बताएंगे। तो दोस्तों, इस वक्त स्क्रीन के ऊपर आप देख सकते हैं ये डिस्प्ले आपको नज़र आ रहा है, इस वक्त इन्वर्टर का ऑन है डिस्प्ले। अभी डिस्प्ले के साथ ना इन्वर्टर के सोलर पैनल्स कनेक्ट है, ना बैटरी बैंक कनेक्ट है, ये जस्ट वापडा पे आना है। सिर्फ आपको सेटिंग समझाने के लिए और बताने के लिए ये चीज़ मैं कर रहा हूँ। अदरवाइज अगर ये राइट साइड पे अगर आप इसके देखें, ये अभी जिस जगह मैंने उंगली रखी है P1 की सेटिंग है, यानी कि इधर आपको PV की सारी चीज़ें ये डिस्प्ले करेगा, ठीक है। PV के वोल्ट कितने हैं, एम्पेयर कितने और वाट कितने हैं। अगर ये ऊपर वाली साइड पे चले जाएं तो यहाँ पे बैटरी के पैरामीटर्स होंगे कि बैटरी के वोल्ट कितने हैं और करंट कितनी ले रही है, और इसके अलावा थोड़ा सा लेफ्ट साइड पे आपको बैटरी की टाइप नज़र आ जाएगी कि जो टाइप आपने सेट किया है वो टाइप साथ ये शो करेगा। अभी ये लाइन ब्लिंक कर रही है, इसका मतलब है बैटरी कनेक्ट नहीं है। नीचे BP का एरर भी आपको देखने को मिल जाएगा, साथ टाइम भी नज़र आ रहा है और एरर भी आ रहा है। और लेफ्ट साइड पे आपको AC इनपुट का पैरामीटर देखने को मिल जाएगा जहाँ ये गोल साइकिल है, और राइट साइड पे आपको AC आउटपुट के पैरामीटर्स देखने को मिल जाएंगे। तो अभी चलते हैं इसकी सेटिंग की तरफ। ये चार बटन है ऊपर, ये एंटर वाला बटन है, ये डाउन और ये अप, और ये एग्जिट वाला बटन है इसको बैक करने के लिए। तो एंटर वाले बटन को अगर हम थोड़ी देर के लिए प्रेस करके रखेंगे, ठीक है, तो इसका सेटिंग का डिस्प्ले आ जाएगा जो कि ESC से स्टार्ट होता है। इस पर अगर आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये वापस चला जाएगा सेटिंग से, ठीक है। और जब आप इसका डाउन वाला एरो प्रेस करते हैं तो जो फर्स्ट सेटिंग में चला जाता है, फर्स्ट सेटिंग में सबसे पहले आपको देखने को मिलता है SUB, यानी कि सोलर यूटिलिटी और बैटरी। ये डिपेंड करता है आपकी रिक्वायरमेंट के ऊपर, ज़्यादातर ये सेटिंग उन एरियाज़ में की जाती है जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत ज़्यादा होती है, ताकि सोलर के बाद वापडा चले, बैटरी एज ए बैकअप यूज़ हो। इसी पर अगर आप एंटर प्रेस करें तो आपको सेकंड ऑप्शन इसमें देखने को जो नज़र आएगा, वो होगा इसका SBU, यानी कि सोलर बैटरी यूटिलिटी, यानी कि जहाँ पे लोड शेडिंग बहुत कम होती है, लोग बैटरी बैंक लगा लेते हैं ताकि आफ्टर सोलर उनका बैटरी बैंक यूटिलाइज हो, तो वहाँ पे आपने SBU करना है, यानी कि पहले सोलर फिर बैटरी और फिर यूटिलिटी, ठीक है। तो ये दो सेटिंग्स हैं। SUB की सेटिंग आपको वहाँ भी करनी जहाँ लोड शेडिंग भी ज़्यादा है, और वहाँ भी करनी जहाँ पे आप नेट मीटरिंग करवा रहे हैं ताकि आपका बैटरी बैंक सेव रहे, ठीक है। सेकंड ऑप्शन में जाए तो अप्लायंसेज आ जाता है, इसमें दो सेटिंग्स होती हैं, ठीक है, एक अप्लायंसेज और एक UPS। UPS होती है कंप्यूटर्स के लिए और अप्लायंसेज होती है होम अप्लायंसेज के लिए। यहाँ पे आपके वोल्टेज लो ज़्यादा होते हैं, यहाँ पे रीस्टार्ट होने के लिए प्रोडक्ट को प्रॉब्लम नहीं होती है अप्लायंसेज को, वहाँ पे आपने APL पे सेट करना है। जहाँ पे कंप्यूटर की तरह के आपका कोई सिस्टम है तो वहाँ पे आपने UPS पे इसको सेट करना है। आगे अगर थर्ड नंबर सेटिंग पे चले जाए तो AC आउटपुट के वोल्टेज आ जाते हैं, यानी कि AC के आउटपुट पे आपने कितने वोल्ट सेट करने हैं, तो ये 230 होने चाहिए। अक्सर लोगों ने 220 किए होते हैं, 220 वापडा के होते हैं जहाँ पे आपकी फ्रीक्वेंसी, आपका पावर फैक्टर, हर चीज़ 100% वर्क कर रही होती है। सोलर इन्वर्टर्स में आपने इसको 230 पे सेट करना होता है। आगे आपकी फ्रीक्वेंसी आ जाती है 50 Hz है, जो कि एक बाय डिफॉल्ट सेटिंग होती है इन इन्वर्टर्स की। इसके आगे आपकी आ जाती है बैटरी सोलर सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि सोलर से आप पहले बैटरी चार्ज करवाना चाहते हैं या लोड चलाना चाहते हैं। अगर तो आप ऑफ ग्रिड सेटअप यूज़ कर रहे हैं तो फिर तो आपने BLU करना है, ठीक है। अगर आप इसको ऑन ग्रिड पे यूज़ कर रहे हैं तो फिर इसके ऊपर आपने करना है LBU। ये दो सेटिंग्स होती हैं। ऑन ग्रिड मीन्स कि जब आप इस पर नेट मीटरिंग करवा लें, ये जितने भी इस डिस्प्ले में हाइब्रिड इन्वर्टर्स आएंगे, ठीक हो गया जी। इसके बाद अगर नेक्स्ट सेटिंग में जाएँ तो आ जाता है बाईपास का, यानी कि आपका जब सिस्टम ओवरलोड की तरफ जाए तो इसको बाईपास करके वापडा की तरफ ले जाए। अभी तो ये BYE यानी कि ये एनेबल है, ठीक है। अगर इसके ऊपर आप एंटर प्रेस करेंगे,
ये एंटर भी थोड़ा सा थका हुआ है शायद इसका, ठीक है। ये डिसेबल आ जाएगा BYD, यानी कि डिसेबल करने के लिए, और एनेबल करने के लिए BYE पे क्लिक करना पड़ेगा। तो ये उन जगहों पे होता है जहां पे आपको पता होता है कि यार आपका कोई इंडक्टिव टॉर्क लोड है, तो वहां पे आपने ये फीचर ऑन करना है, अदरवाइज इसकी जरूरत नहीं होती। आगे नेक्स्ट जाए तो ओवरलोड रीस्टार्ट का फंक्शन आता है, तो ये एक नॉमिनल इसका बाय डिफॉल्ट अगर देखा जाए तो इसको अक्सर लोगों ने डिसेबल किया होता है, बट इसको आपने एनेबल करना है। जब एंटरप्राइज करेंगे इसके ऊपर तो ये ब्लिंक करेगा, एरो डाउन करेंगे तो ये ई आ जाएगा। ई मीन्स कि ये एनेबल हो गया, जैसे ही ओवरलोड होगा ये रीस्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। अगर नेक्स्ट सेटिंग पे जाएं तो टेम्परेचर आ जाता है, इस पर भी ये डिसेबल है, डी है, यानी कि इस पर अगर आप एंटरप्राइज करें एरो डाउन पे लेके जाएं तो ये एनेबल ई आ जाएगा। जब भी टेम्परेचर ओवर होगा आपका सिस्टम रीस्टार्ट हो जाएगा, ताकि आपका सिस्टम ज़्यादा इसके ऊपर एनर्जी लॉस ना हो या इसका टेम्परेचर हाई ना हो। नेक्स्ट आ जाता है ग्रिड फीडिंग ऑप्शन, यानी कि अगर आपने नेट मीटरिंग करवानी है हाइब्रिड इन्वर्टर पे, जिनमें ग्रिड फीडिंग का ऑप्शन होता है, जिसमें ये डिस्प्ले आ रहा होता है, मीन्स के सोलर मैक्स या इनवरेक्स के जो ये इन्वर्टर्स हैं, अभी तक तो और कोई आया नहीं है। तो इसके अगर ऊपर आप एंटर प्रेस करते हैं तो ये ब्लिंक करेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है जी आपकी चार्जिंग सोर्स प्रायोरिटी, यानी कि आपने जो चार्जिंग सिस्टम सेट करना है वो आपने क्या करना है। इस पर एंटरप्राइज करें, ब्लिंक करेगा। SNU का मतलब है सोलर और यूटिलिटी वापडा एक टाइम पे चार्जिंग करेंगे, और OSO का मतलब है कि सिर्फ सोलर से चार्जिंग हो। CSO का मतलब है कि पहले सोलर चार्जिंग करे, जब सोलर खत्म हो जाए फिर वापडा पे जाए, ठीक है। इसके बाद SNU, फिर दोबारा वही आ जाता है। ये आपने अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से सेट करना है इसको। आगे आ जाती है इसकी मैक्सिमम चार्जिंग करंट, यानी कि मैक्सिमम चार्जिंग इज इक्वल टू सोलर प्लस यूटिलिटी। इसमें बहुत सारी कन्फ्यूजन्स होती हैं लोगों को, कि लोगों को ये समझ नहीं आती, वो 60 इधर भी सेट कर देते हैं और यूटिलिटी में भी। हालांकि अगर आप मैनुअल बुक पे पढ़ें तो आपको नजर आ जाएगा कि मैक्सिमम चार्जिंग इज इक्वल टू सोलर प्लस यूटिलिटी, यानी कि आपने जो सोलर की सेटिंग कर एम्पेयर रखने हैं वो सपोज करने हैं, प्लस आपने जो आगे यूटिलिटी के रखने हैं, ये दोनों को आपने मैक्सिमम इधर सेट कर देना होता है, ठीक है। उसके बाद जाके आपने आगे कोई इसका यूटिलिटी के जो पैरामीटर हैं, ये यूटिलिटी की जो सेटिंग है, वो आपने इसके बाद जाके इसके ऊपर सेट करनी होती है। दूसरे नंबर इसके बाद आ जाती है यूटिलिटी की चार्जिंग, जहां पे अब 30 एम्पेयर है, तो ये सिंपल सी ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग है। इट्स मींस के कंपनी की तरफ से भी ये रिकमेंडेड है कि अगर आपने 60 एम्पेयर चार्जिंग सेट की है तो 30 एम्पेयर वापडा शो हो रही है यहां पे यूटिलिटी, और 30 एम्पेयर जो उसमें ऐड है वो सोलर की तरफ से है। तो ये चीज ध्यान में रखा करें, जब मैक्सिमम सेट करनी है तो सोलर प्लस यूटिलिटी होना चाहिए, वो सिर्फ सोलर की सेटिंग नहीं है। अक्सर औकात देखा गया है कि लोग उसको सिर्फ सोलर के चार्जिंग एम्पेयर समझ रहे होते हैं, वो सिर्फ सोलर के चार्जिंग एम्पेयर नहीं होते। ये भी बहुत बड़ी कन्फ्यूजन है मार्केट में। आगे बैटरी टाइप आ जाता है। AGM पे अगर आप सेट करते हैं तो यहाँ का मतलब है कि आपने इसको ड्राई बैटरी या सेल पे यूज कर रहे हैं, ठीक है। सेकेंड नंबर पे फ्लोटेड आ जाता है, यानी कि जो तेजाब वाली बैटरीज होती हैं, ठीक है। थर्ड पे यूज आ जाता है यूजर, मींस कि आप ट्यूबलर बैटरी यूज कर रहे हैं, तो ट्यूबलर बैटरी में इसके पैरामीटर्स चेंज होते हैं, जो कि आज मैं आपको वीडियो में जरूर बताऊंगा। यूज पे सेट करते हैं, ठीक है, ट्यूबलर के लिए। नेक्स्ट आ जाती है पायलॉन टैग, यानी कि अगर आप पायलॉन टैग की लिथियम बैटरी लगा रहे हैं तो आप ये इसके ऊपर सेट कर दें, अदरवाइज जो सेटिंग्स हैं इसके ऊपर वो तो मैं आपको रिकमेंड नहीं करूंगा इनिशियली, क्योंकि पायलॉन टैग के अलावा आप कोई भी बैटरी इसके ऊपर यूज ना करें। आगे आ जाते हैं बल्क चार्जिंग के वोल्टेज। ये जो आपको CU नजर आ रहा है ना, छोटा सा U बना हुआ और C बना हुआ, ये बल्क चार्जिंग के वोल्टेज है। जब आपने इसके ऊपर ट्यूबलर बैटरी लगानी है तो आपने यहाँ पे इसके वोल्ट बढ़ाने हैं, जो कि 59.2 वोल्ट पे आपने इसको लेके जाना है। 48 वोल्ट के अंदर 59.2 वोल्ट पे लेके जाएंगे तभी वो एज ए डीप साइकिल काम करेगी, और चार्ज डिस्चार्ज साइकिल का आपका टाइम पीरियड उसका इंक्रीज होगा। अदरवाइज लोग इसको यूजर पे सेट करके समझते हैं कि पैरामीटर ऑटोमेटिक सेट हो जाते हैं, इसीलिए ट्यूबलर बैटरीज बैकअप भी नहीं देती और लोग उससे मुतनफर भी होते हैं। नेक्स्ट आ जाता है इसके फ्लोटिंग के वोल्ट। फ्लोटिंग वोल्ट 54 होते हैं, ये बना हुआ है फ्लोटेड बैटरी के लिए और AGM बैटरीज और लिथियम बैटरीज के लिए, बट जब आप ट्यूबलर बैटरी यूज कर रहे होते हैं तो आपने फ्लोटिंग के भी वोल्ट बढ़ाने होते हैं, इसको आपने 58.8 पर रखना होता है। ये जो मैं आपको ट्यूबलर की सेटिंग बता रहा हूँ, ये ऑलमोस्ट 6-7 साल का ट्यूबलर का एक्सपीरियंस है, उस बिहाफ पे आपको बता रहा हूँ, जहां पे आपको ये मैक्सिमम बैकअप देगा। क्योंकि अक्सर औकात आपने देखा होगा कि आपको यही कंप्लेन सुनने को मिली होगी, लोग कहते हैं जी ट्यूबलर बैटरी भी बैकअप नहीं देती, बट मेजॉरिटी में लोग इस चीज़ को समझते भी हैं, जो इंस्टॉलर्स हैं वो सेटिंग्स चेंज भी करते हैं, बट इसके लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी है। तो इसको ध्यान में रखें कि बल्क के वोल्टेज जो है वो 59.2, फ्लोटिंग के वोल्टेज 58.8, तभी आपको एक्चुअली उसके ट्यूबलर बैटरी पर बैकअप मिलेगा। आगे इसके लो वोल्टेज कट ऑफ आ जाता है, ये 40.8 है,
इसको आप हमेशा 42 पे यूज़ करें। जब भी आपने इसको यूज़ करना है तो ये 42 पे होना चाहिए, यानी कि एंटर प्रेस करेंगे ब्लिंक करना शुरू हो जाएगी। ठीक है, तो ये इसके ऊपर अगर आपने इसको बढ़ाना है, अभी तो बैटरी बैंक भी नहीं लगा ना हमने कोई इसकी सेटिंग रखी है, तो ये आपने 42 पे रखने हैं ताकि आपका बैटरी बैंक ज़्यादा डीप लो ना हो। कोशिश कीजिए अगर आप 44 पे रख सकते हैं तो ज़्यादा बेस्ट है, बट 42 ये मस्ट होना चाहिए। इसके बाद आ जाता है आपका बैक टू रिचार्ज वोल्ट, यानी कि बैटरी के कितने वोल्ट रह जाएं तो ये ऑटोमेटिक वापडा पे चला जाए। तो ये 46 है, आपने अपनी लोड शेडिंग के हिसाब से या अपनी रिक्वायरमेंट के हिसाब से ये वोल्ट सेट करने होते हैं। ठीक हो गया जी। नेक्स्ट आ जाता है जी आपका बैक टू रीडिस्चार्ज, यानी कि कितने वोल्ट तक बैटरी चार्ज हो तो ये दोबारा आपका बैकअप देना बैटरी बैंक से शुरू कर दे या चार्जिंग स्टॉप कर दे, तो वो 54 वोल्ट है। ये भी आपने अपनी एक्चुअल रिक्वायरमेंट के हिसाब से करना होता है कि आपकी बैटरी बैंक के हवाले से इसके पैरामीटर्स की क्या रिक्वायरमेंट बनती है। ठीक है, ये कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग्स थी, इसके अलावा कोई ज़्यादा इंपॉर्टेंट सेटिंग्स नहीं है इसके अंदर। आगे इसकी सेटिंग्स आ जाती है, ये पैरेलल की सेटिंग है इसकी, S1G यानी कि सिंगल फेज की सेटिंग है। अगर आप इसने पैरेलल पे यूज़ करना एंटरप्राइज करेंगे तो ये PL आ जाएगा। जितने भी इन्वर्टर्स आप पैरेलल कर रहे हैं, पैरेलल करते हुए आपने एक चीज़ याद रखनी है कि जो नीचे इसका ब्लैक बटन लगा होता है इन्वर्टर के अंदर, छोटा पावर का बटन, इसको आपने ऑफ रखना है, तभी आपकी पैरेलल की सेटिंग भी होगी। और इंशाल्लाह पैरेलल की स्पेशल सेटिंग के ऊपर वीडियो भी बनाऊंगा, बट यहाँ पे आपने PEL पे सेलेक्ट करके तो आगे चले जाना है। जब सोलर इन्वर्टर्स को पैरेलल कर रहे हो तब एक चीज़ आपने याद रखनी है, आपकी इनपुट सप्लाई, आउटपुट सप्लाई और बैटरी बैंक, जितने भी बैटरी बैंक लगा रहे हैं वो कंबाइन होने चाहिए इन्वर्टर्स के साथ। इनपुट्स कंबाइन होनी चाहिए, आउटपुट्स कंबाइन होनी चाहिए, सोलर आपका सेपरेट रहना चाहिए, और सेटिंग करते हुए आपका छोटा बटन भी बंद रहना चाहिए। उससे ये फायदा होगा कि आपका इन्वर्टर आसानी से अपने प्रोग्रामिंग में शिफ्ट हो जाएगा, अदरवाइज ये आपके लिए प्रॉब्लम बनाएगा। बाकी इसके ये ऊपर जो OLED का डिज़ाइन आता है, ये उसकी सेटिंग्स है कि आपने किस कलर की इसके ऊपर लाइट चलानी है जो कि नए गोल्ड डिस्प्ले के अंदर आ रहा है। तो बेसिकली दोस्तों ये थी इस गोल्ड डिस्प्ले के अंदर जो टच सेंसर वाले बटन्स के साथ आ रहा है जो कि नया डिस्प्ले है। ठीक है, ये इन्वर्टर सोलर मैक्स का ओरियन 5.6 किलोवाट या इनवरक्स का जो अभी आया है वीरान 1.2, 2.4, 2.5, 3.2, इसके अलावा 5.2 किलोवाट, 8 किलोवाट। तो आगे जो सोलर मैक्स की सीरीज आ रही है, आपने रिसेंटली वीडियोस भी देखी होंगी सोलर मैक्स के रिलेटेड, मैंने अपलोड की थी उन्हीं, उनमें भी आपको यही ओवरऑल डिस्प्ले देखने को मिलेगा। तो मेन डिस्प्ले के ऊपर भी जो जो पैरामीटर्स आएंगे उनके बारे में मैंने आपको बता दिया, और इसके इंटरनल जितने भी पैरामीटर्स की सेटिंग्स है उम्मीद है आप लोगों को समझ आ गई होगी। तो इंशाल्लाह फर्दर इसके ऊपर इसकी पैरेलल की सेटिंग्स रह जाती हैं कि पैरेलल की आपने सेटिंग किस तरह करनी है, तो वो भी इंशाल्लाह जब मैं कोई प्रोजेक्ट पैरेलल करूंगा, जैसा टेस्ला की और नाइट्रॉक्स की मैंने वीडियोस पहले भी अपलोड की थी बट वो डिलीट कर दी, अभी दोबारा आप लोगों के लिए स्पेशली अपलोड की है, तो इसको भी जब पैरेलल किया जाएगा तो इंशाल्लाह इसकी भी एक वीडियो अपलोड कर दी जाएगी, क्योंकि ये आगे मैक्सिमम यही डिस्प्ले चलने वाला है। तो मज़ीद वीडियोज़ के लिए मेरा चैनल देखते रहिए, शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।